जल्दी बोलो कहाँ चली गई श्वेता। Isabella, my husband is here. I need to speak to him, so I'll talk to you later. Okay, bye. What's this, Raman? डरा दिया मुझे. मैं बात कर रही थी ना फोन पे, अचानक ऐसे. तू कहाँ चली गई थी यार? मैं उठा कमरे में तू थी नहीं, बाथरूम में चेक किया वहाँ नहीं थी, तो I just got a little worried. कितनी रात को किससे बात कर रही? रात को मतलब क्या? यहाँ रात के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन लंदन में रात के 10 ही बजे हैं। हाँ ठीक है, बट तुम अचानक क्या हुआ? वो फोन भी कौन था? इजाबेला स्टोन, मैं उससे लंदन में मिली थी, उसने मुझे फोन किया था जानने के लिए कि मैं ठीक से पहुंच गई या नहीं। एंड व्हाट्स रॉन्ग रमन? मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ सब लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, कैन टेल मी। नो, इनफैक्ट मैं और हम सारे घर वाले तुझसे पूछ रहे हैं कि जब से तू आई थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, तू बता कोई बात है तो। मुझे क्या होगा, आई एम जस्ट फाइन, आई जस्ट कूल डाउन नाउ। चले सो जाए। ठीक है चल। लंदन में कहीं सर्वर पे चोट तो नहीं है इसको? हेलो, हाँ सॉरी, मैंने इजाबेला बोला तुम्हें, मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो पूछे तो मैं, उन्हें ठीक नहीं लगता है जान के कि मैं किसी आदमी से बात कर रही हूँ इतनी रात को। तो बताओ। दिस इज सो स्ट्रेंज, सीमा का घर लॉक था एंड उसकी फैमिली भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं है, अचानक रातों रात सब गायब कहाँ हो गए? और सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि ताला कल रात से लगा हुआ है। अच्छा रूही, तुम्हें सीमा ने बताया था कि वो अपने पेरेंट्स से दूर भाग रही है अभीर से शादी करने के लिए? रूही, आई शो ये सीमा का एड्रेस था? आई मीन आई होप हम गलत घर पे ना आए हो। अरे नहीं मन्या अंकल, यही एड्रेस है, मैं एक दिन पहले तो आई हूँ यहाँ, उसके घर पे भी गई थी, हमारी कुछ ज्यादा बात नहीं हुई थी, बट मैं यही आई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वहाँ हुआ क्या था, आई मीन उसके पेरेंट्स नहीं थे घर पे, बट वी वर फ्रेंड्स इन कॉलेज एंड फिर हम टच में नहीं थे, और अभी जब मैं उससे मिली तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी एंड शी वाज लुकिंग वेरी हैप्पी क्योंकि उन दोनों की शादी होने वाली थी एंड ऑल ऑफ दैट, पर उसके अलावा आई डोंट रियली नो एनीथिंग। अच्छा उस अबीर के बारे में कुछ पता है, दैट वो कहाँ रहता है, हम वहाँ जाके देख सकते हैं? नहीं शगुन मामा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी तो मिली थी उन दोनों से। इनफैक्ट मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि वो गार्ड क्यों ऐसा बोल रहा था कि उससे सीमा ना सीमा की फैमिली के बारे में कुछ पता है, क्योंकि वो तो यही रहती है। नहीं दस ओके रोहित, हो सकता है वो गार्ड नया हो। You may not know much. हाँ, maybe you're right. Relax, वो ठीक होगी। तुम टेंशन मत लो। मैं कल सुबह जाके पुलिस स्टेशन में चेक करूंगी। In fact, मैं ब्लास्ट विक्टिम्स के बारे में भी पता लगाऊंगी। शायद वहाँ कुछ सीमा के बारे में पता चल जाए। I just hope वो विक्टिम लिस्ट में सीमा और अबीर का नाम ना हो। देखो रूही, हम सब है ना, शगुन पुलिस स्टेशन गई है, वहाँ सब कुछ पता करेगी वो, टेंशन लेके क्या होगा, मूड ठीक करो अपना। और सुनो, तुम्हारी सीमा को कुछ मैं बताना, उसे साहिल के बारे में भी कुछ नहीं पता। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी शमा के सामने, डोंट वरी, उन्हें मैं और टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। वेरी गुड एंड चीयर अप प्लीज, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ, कुछ पता चलता है आई लेट यू नो। अम्मी हैव सम ब्रेकफास्ट। नहीं नहीं फिर कभी, अभी चलता हूँ मैं। थैंक यू मनी, बाय। अरे इश्ता बैठ ना, तुझे पता है आज भाई ने नाश्ता बनाया, तेरा फेवरेट उपमा, खा।
इन पराठों को तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी. माय गॉड, लंदन में कैसे लोग खाना खाते. बंस, ब्रेड, वाज टू मच फॉर मी. ये पराठे हैं, दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर. व्हाट टेस्टलेस खाना, आई कांट हैव इट अगेन. हाँ तो तू लेना उपमा, तेरा फेवरेट तो है. पता नहीं, स्ट्रेंज. गुड मॉर्निंग इश्मा. ए मॉर्निंग, कहाँ गए थे दोनों? मैं पूरी रात बाहर थी, शगुन मामा के घर पे थी. नाइस, बैठो तो ब्रेकफास्ट लो ना. इश्मा, आपको पता भी नहीं चला कि मैं पूरी रात घर पे नहीं. उसमें कौन सी बड़ी बात है? शगुन मामा क्या थी? He's a mama. जाना चाहिए. अरे थकी हुई थी ना, इसलिए ध्यान नहीं दिया. अरे मैंने उपमा बनाया. सीमा उपमा देना उसे. उपमा नहीं खाना मुझे, पराठे अच्छे हैं. Really nice. चार नहीं दिया किसी ने मुझे अभी तक. हाँ ये. मदरसन, सब ठीक है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ. अरे तेरी वो फेलिसिटेशन वाली ट्रॉफी सर्टिफिकेट कहाँ है? हम सब देखना चाहते हैं. वी आर सो प्राउड ऑफ यू. हाँ वो ना, वो मैंने क्लिनिक भिजवा दिया था. क्लिनिक में क्यों, घर पे क्यों नहीं लाई? बस वो मेरी असिस्टेंट आई थी मुझे एयरपोर्ट पे लेने, उसी के साथ क्लिनिक पे चली गई वो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट. अरे तू कैसी है, घर पे ले आती, हम सब देख लेते एक बार यार. नॉट अ बिग डील, उसमें देखने वाली क्या बात है. और अगर कभी देखना ही है तो क्लिनिक आके देख लेना. अच्छा आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? लेट हो रहा है, तैयार नहीं हुए अभी तक. मुझे बहुत सारी अनपैकिंग करनी है अभी. इशिता, नहीं कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं. शिमा को क्या हो गया, पता नहीं इतने अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रही है. हेलो शगुन मामा, क्या हुआ, कुछ पता चला? रूही, मैं अभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकली हूँ और लिस्ट में ना ही सीमा का नाम है और ना ही अबीर का. थैंक गॉड. पर फिर शगुन मामा वो दोनों है कहाँ? मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर चेक करती हूँ, मे बी इंजर्ड विक्टिम्स में उनका नाम रजिस्टर. तो स्ट्रेस मत लो, जस्ट स्टे पॉजिटिव. आई एम श्योर वो लोग ठीक होंगे. एंड डेड विक्टिम्स की लिस्ट में उनका नाम नहीं है ना, सो प्लीज स्टे काम. ठीक है? ठीक है, थैंक यू शगुन मामा. एंड इशिता, वो ठीक है? पता नहीं मामा, वो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रही है जब से वापस आई है. शी इज बिहेविंग वेरी वियर्डली. आज तक उन्होंने ऐसे कभी बिहेव नहीं किया है. आई जस्ट डोंट नो. रमन ने बात की इशिता से? अरे नहीं, पापा तो खुद शॉक्ड है उनके इस बिहेवियर से. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें. पापा ने कहा है कि इशिमा को थोड़ा टाइम देते हैं, पर आई डोंट अंडरस्टैंड फॉर व्हाट. मतलब कुछ हुआ नहीं है फिर क्यों? एनीवे पापा अभी ऑफिस गए, मैं हॉस्पिटल आ जाऊं? अरे नहीं, वहां पर बहुत क्राउडेड होगा. इट्स गोना बी कैओटिक. तुम प्लीज इशिता का ध्यान रखो. यू डोंट टेक एनी स्ट्रेस एंड कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना. ओके? अच्छा ठीक है, ओके. क्या हो गया इशिता को? कोई बात तो है, मुझे रमन से बात करनी होगी. इशिता भाई ऑफिस चले गए क्या? अरे अपने नाश्ते के बाद वाली चाय पीना भूल गए, तो मैंने सोचा रूम में ही ले आती हूँ. अच्छा ले आई, मैं पी लूंगी. और वो भी अच्छा चले गए, शांति तो हुई कम से कम. ऐसे क्यों बोल रही है तू, शांति हुई? तुझे अच्छा लग रहा है कि भाई तुझसे दूर चले गए? हाँ तो और नहीं तो क्या, इतना थक कर आई हूँ. उनका तो लगा ही रहता है पूरे टाइम बक 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 चलते ही रहते हैं. मेरी क्रीम नहीं मिल रही है, देखना तो मेरे टॉयलेटरी किट में रखी है. क्या इसके अंदर? तेरा पासपोर्ट ना, ये भी.
देखने बोला था और कुछ नहीं। रिश्ता क्या चल रहा है ये सब? हाँ इस पासपोर्ट में फोटोग्राफ तेरी है लेकिन नाम है शाइना शाह। What's going on? कुछ नहीं, What's going on? कुछ भी नहीं चल रहा है। कुछ भी नहीं चल रहा है? तू लंदन गई थी ना, तो ये बोर्डिंग पास में क्या दिखा रहा है? पेरिस। क्या हो रहा है इशिता, बताएगी मुझे? अरे why should I explain anything to you? क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं मैं कुछ? अरे तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? रिलैक्स। इशिता जिस तरीके से तू बिहेव कर रही है ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है वो सब देख के। देख शिता, कुछ बात है तो मुझे मुझे बोलना, मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं ठीक है तो मैं भाई को जाके सब कुछ बता देती हूँ। ठीक है शिता, क्या कर रही है तू? तेरा रमन, तुम जानते हो ना कि वी मेन कैन नेवर अंडरस्टैंड अ वुमन कंप्लीटली। शगुन को देख लो। मुझे लगता है कितनी बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगा है कि मैं उसे पूरी तरह से समझता हूँ लेकिन फिर वो ऐसा कुछ कर जाती है, शी सरप्राइजेस मी। लेकिन रमन सच ये भी है कि हमसे बेहतर हमारी वीडियो को कोई नहीं समझता। सो डोंट वरी, बहुत ही जल्द यू विल फिगर आउट कि उसे क्या तंग कर रहा है, व्हाट्स बॉदरिंग हर। आई होप सो, आई होप सो यार। वैसे कांग्रेचुलेशंस। क्यों? स्ट्राइक खत्म हो गई, काम शुरू हो गया? या और मैं बहुत खुश हूँ कि रूही के साथ साथ अब तुम्हारे पास योग का भी सपोर्ट है। तुमने देखा ना बुरे वक्त में तुम्हारे साथ कैसे खड़ा हुआ था। मणि, व्हाई यू टेलिंग मी ऑल दिस? बिकॉज़ आई वांट टू अंडरलाइन द फैक्ट कि योग अच्छा लड़का है रमन, वो आलिया का ख्याल रखता है। और देखो ना आलिया भी पहले से कितनी बेहतर हो गई है, सुधार आ गया उसमें। पर आलिया के साथ का जिम्मेदार भी तो वही है, he is the one who's got आलिया टू दिस कंडीशन। झूठ बोले उसने हमसे यार, धोखा दिया उसने। आई एग्री रमन, लेकिन वो अपनी गलती मानता है, सुधार रहा है अपने आप को। और आलिया को देखा ना, वो कितनी खुश है। और जानते हो क्यों? क्योंकि युग उसे इतना प्यार करता है। युग नहीं, आलिया उसे आदि मानती है, इसलिए आलिया खुश है। और इसलिए हमें भी उसे आदि समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रमन तुम्हें कहा था कि युग में इतनी सारी क्वालिटीज है जो एकदम आदि जैसी है, इनफैक्ट तुम्हें उसमें आदि दिखता है, और इसीलिए इशू के खिलाफ जाके तुमने उसे एक्सेप्ट किया है। युग ने झूठ बोला मुझसे। हाँ मानता, मुझे आदि दिखता था, लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था कि करण के कहने पे मुझे धोखा देना है। करण ने उसे प्लांट किया हमारे घर में, करण के कहने पे युग हमारे घर आया, मुझे झूठ बोल रहा है। करण कैसा है हम जानते हैं, लेकिन युग वैसा नहीं है, युग अच्छा है। रमन वक्त आने पर युग ने अपने परिवार को सबसे ऊपर रखा, और वक्त आने पर युग ने वही किया जो शायद हमारा आदि भी करता। रमन लोग बदलते हैं, बस उन्हें मौका चाहिए होता है, इसलिए ही डिजर्व्स अ सेकंड चांस, बिलीव मी। इनफैक्ट मुझे लगता है अपने बिजनेस में उसे इन्वॉल्व करो, तुम्हें उसके सपोर्ट की जरूरत है। यार मनी, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो आई नीड टू स्पीक टू इशिता फर्स्ट। मदरसन से बात करे बिना मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि उसका नाम सुनते ही हुआ शी स्टार्ट्स फायरिंग मी। यार वो पागल हो जाती है उसका नाम सुनते ही। सो आई जस्ट होप कि अब घर जाऊँ, उसका मूड ठीक हुआ, आई स्पीक टू हर। इशिता हाय। बहुत शौक है ना तुझे बोलने को, अब बोलेगी ना तो मेरी बंदूक बोलेगी और तेरी बोलती बंद हो जाएगी। गन तेरे पास इश्ता? मेरी है। और बहन ये गन चलती भी है। सुन, तू इस कमरे से बाहर निकलेगी और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल के निकलेगी। सुन रही है इशिता की बात? इशिता, आई मीन शाइना, तुम जो भी हो, तुम... मैं जो भी हूँ फर्क पड़ता है क्या उस बात से? प्लीज प्लीज प्लीज, तुझे अपना परिवार प्यारा है ना? माय डार्लिंग सिस्टर इन लॉ, देखो इम्पोर्टेंट बात ये है, जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगी, किसी से कुछ कहोगी तो तुम्हें तो मारना पड़ेगा, और साथ ही साथ जिसे बताओगी उसे भी मारना पड़ेगा। मेरा काम बढ़ जाएगा। मेरा काम नहीं बढ़ाओगी ना? क्या क्या बोल रही है तू? ये सब तुझे अपना परिवार प्यारा है ना? देख इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरा काम हो जाए, फिर मेरे काम के बीच में कोई आया तो उसे मैं
छोड़ूंगी नहीं ना, तू समझ रही है ना? अगर तुझे लग रहा है ना कि टॉय गन है तो टॉय गन नहीं है, तू समझ रही है कि नहीं समझ रही है? You're getting the point, darling. Then go. Just a minute. हर पल हर समय ये मेरी साथी मेरे साथ रहेगी. किसी से कहा तो आज नहीं तो कल ढूंढ के मारूंगी, बहुत प्यार से. अभी जा. Just get out! पकड़ी गई थी मैं बस अभी, सिमी ने देख लिया था मुझे, जान से मारने की धमकी दी है उसे. रुई एक मिनट, तुम कहीं जा रही हो क्या? तुम ऑफिस भी नहीं आई, मैं तुमसे ही मिलने आया था. बाद में बात कर सकते हैं क्या? मुझे भी कहीं जाना है इम्पोर्टेंट काम से. रुई एक मिनट, मैंने ना अपने ऑफिस से तुम्हारे ऑफिस में कुछ वर्कर्स भेजे थे, बहुत दिनों से काम रुका हुआ था. मैं सोचा एटलीस्ट काम तो आगे बढ़ेगा एंड यू कैन मेक अप फॉर द लॉसेस ऑफ टुडे. करेक्ट करेक्ट, अब कल बात करते हैं, अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है. रुई क्या बात है, तुम ठीक तो हो? हॉस्पिटल क्यों? क्या कर रहे हो तुम? किसको दिखा रहे हो ये झूठा कंसर्न? पागल हो गए हो क्या? झूठा कंसर्न? पूरी दुनिया में मेरे पास एक ही काम है, भलास की हेल्प करना ताकि तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं, और कोई काम नहीं है मेरे पास. I'm sorry. देखो I know पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरी बहुत हेल्प की है. And I agree with that, but Karan, you need to understand, मैं ऐसे तुम पे फिर से भरोसा तो नहीं कर सकती ना. I mean, जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है, do you think it's possible for me to trust you again? For God's sake, तुमने युग को हमारे घर पे भेजा है. वो तो thank God वो अच्छा इंसान निकला, वरना God knows क्या क्या हो सकता था. सही कह रही हो तुम, पिछले कुछ दिनों में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं. शायद मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए तुमसे फ्रेंडशिप करने की, तुमसे माफी मांगने की. I'm sorry to bother you. No, no, Karan, सुनो. I'm sorry, but it's just that मैं बहुत कुछ हो रहा है. मैं क्या बात तुम्हें इतनी परेशान कर रही है? वो मेरी फ्रेंड है सीमा, मैं उसे मीना चौक पे मिली थी उस दिन जिस दिन वो ब्लास्ट हुआ था, 8 बजे के आसपास वो वहीं पे थी, वो मिली नहीं रही है. I just अभी बस मैं हॉस्पिटल मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, पता नहीं कहीं वो वहाँ. हाँ हाँ तो ठीक है ना, मैं साथ में चलता हूँ. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, अगर वो किसी भी हॉस्पिटल में हुई तो हमें पता चल जाएगा. इट्स ओके, थैंक यू सो मच. बट शगुन मामा गई हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल चेक करने के लिए. ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम ब्लास्ट वाली लोकेशन पे चलते हैं, वहाँ के आसपास के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ चेक कर लेते हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों को लेके गए होंगे. कम इट्स ओके, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, बट आई एम हैप्पी कि तुमने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की. एक काम करते हैं, मैं जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चेक करता हूँ, तो मुझे सीमा की फोटो भेज दो, जैसे मुझे कुछ पता चलेगा ना आई विल अपडेट यू. हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हें भेज देती हूँ. आई एम लीविंग, बाय बाय. थैंक्स करण. हाँ भाई, रूही से मिलने गया था. तुझे कैसे पता भाई? गुड गुड गुड. What's wrong with you, भाई? तू मेरा पीछा कर रहा है? अरे नहीं यार, तेरा पीछा नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि कहीं मेरा भाई पिघल तो नहीं गया. लेकिन नहीं, I'm proud of you. भाई तू बिल्कुल वही कर रहा है जैसा मैंने तुझे कहा था, रूही के करीब आने की कोशिश और फल्लास की हेल्प करने का नाटक. बस कर भाई, क्या कर रहा है ये, क्या हालत कर ली अपनी, खड़ा तक नहीं हो पा रहा है ठीक से. मैं ठीक हूँ यार, तू फालतू में. भाई तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे तुझ पर पूरा भरोसा है यार, तुझ पर पूरा भरोसा, लेकिन ना इन भलास पर भरोसा नहीं. ये बहुत ही मतलबी लोग हैं. हाँ भाई हाँ, मुझे पता है, तू मुझे पहले भी बता चुका है ये सब, और मुझे तेरी फिक्र है. शायद तू भूल रहा है कि पहले मैं भी भलास के खिलाफ था, लेकिन भाई तू अगर मुझे ऐसे स्टॉक करेगा और रूही ने कहीं देख लिया ना, सब गड़बड़ हो जाएगी. कुछ नहीं होगा यार, तू घर चल. तू दारू अच्छा लेके ले, तुम दारू चल, साथ में आ रहा हूँ मैं. चल अंदर चल. करण मेरी बात, भाई को घर लेके जाना, कहीं मॉम को पता लग गया ना ये सब तो अपनी ट्रीटमेंट छोड़ के आ जाएंगी वापस. जाओ. I
have to be extra careful. मैं रूही को फिर से धोखा नहीं दे सकता. Genuinely चाहने लगा हूँ उसे. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को.